अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? अगर केस टू और वो इन्वेंट्री वैल्यू डेट स्टैंडर्ड कॉस्ट है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इधर और एक्चुअल इधर क्यों रखी है? हाँ जी, हाँ जी, मैंने तो कहा था, लेकिन क्यों? ताकि अगर एक्चुअल इससे ज्यादा हो तो आंसर माइनस में आ जाए, और ये एडवर्स है, क्योंकि ये एडवर्स बात है कि जितना सोचा था उससे महंगा मिला है, और अगर एक्चुअली सस्ता मिल गया तो आंसर पॉजिटिव में आ जाए, फेवरेबल, इसलिए इनको इधर रखा हुआ है। कॉस्ट वेरिएंसेस हो गए खत्म, और इन कॉस्ट वेरिएंसेस के बारे में आपसे थ्योरेटिकल सवाल ये पूछा जा सकता है कि कॉस्ट के वेरिएंसेस क्यों आ रहे हैं, इन्हें क्या रीजन हो सकते हैं। पहले तो ये एक याद करने वाली चीज ही थी, लेकिन एक दफ़ा एक सवाल आ गया, वो मैं कराऊंगा क्लास में, स्प्रिंग 20 था गालिबन या ऑटम 20 था, वो कराऊंगा मैं क्लास में कराऊंगा। उसमें इन रीजंस को बाकायदा डिस्कस करना पड़ गया था, तो चलो वो तो खैर सवाल कराऊंगा तो नज़र आ ही जाएगा। आपके नोट्स में पेज नंबर सिक्स पे आए, 6 और 7, इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, इनमें से कई ऐसे भी हो सकते हैं जो आप खुद से भी सोच सकते हैं। जैसे यहां देखे बगैर बताइएगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स आ गया, क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं? एक्चुअल मैंने कहा मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स आ गया, तो क्या रीजन हो सकते हैं? हाँ, ये तो जिसको ये रीजन लग रहा है कि एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा हो गई, तो भाई ये तो हुआ है ना, एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा हुई है तो ये एडवर्स है ना, तो एडवर्स आने का ये रीजन नहीं है कि एक्चुअल ज्यादा हो गई, वो तो ज्यादा हुई है तो एडवर्स है, रीजन क्या है? इन्फ्लेशन हमारी सोच से ज्यादा हो गई, और हो सकता है हमें ट्रांसपोर्टेशन महंगी पड़ गई हो, पेट्रोल महंगा होने की वजह से तो हमारी कॉस्ट बढ़ गई हो, और इनफैक्ट मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि एक्चुअली महंगा क्यों हुआ, ये पूछ रहा हूं, मार्केट में शॉर्टेज हो गई होगी, सप्लायर ने प्राइस बढ़ा ली होगी, हो सकता है हमें अल्टरनेटिव मटेरियल खरीदना पड़ा हो और वो महंगा मिला हो, हो सकता है इंपोर्ट बंद हो गई हो सकता है कि कंपटीशन की वजह से प्राइसेस बाकियों ने भी बढ़ा ली हो, तो इसमें हमारे सप्लायर ने भी बढ़ा ली हो, ये पॉसिबल रीजंस हैं ऑफ एडवर्स वेरियंस। इसी तरह मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू शुरू से मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का SC इनटू SQ माइनस SC इनटू AQ। फेवरेबल आ रहा है, फेवरेबल का रीजन, अच्छा ये रीजन ना बताइएगा कि कम लगा है तो फेवरेबल है, क्यों कम लगा है? जितने किलो लगने चाहिए थे उससे कम लगे हैं, हाँ ठीक है फेवरेबल है, क्यों कम लगे हैं? मशीन हमने शायद पता चेंज कर ली हो, ज्यादा एफिशिएंट मशीन इस्तेमाल हो गई हो, वर्कर्स हमारे बेहतर काम करने लग गए हो सकता है कि मटीरियल बेहतर क्वालिटी का आ गया हो, ये हैं पॉसिबल रीजंस। तो ये पेज 6 और 7 के ऊपर
ये मैंने आईकैप की बुक से देख के ना तो कॉपी करके नोट्स में डाल दिए थे, वरना आईकैप की बुक में फैले हुए लिखे हुए थे, दो इधर लिखे हैं, दो अगले पेज पे लिखे हैं, दो अगले पेज पे लिखे हैं, तो मैंने समेट के उनको दो पेजेस में डाल दिया। इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये आप इनको उर्दू में आप याद रख लें, अगर लिखने को कहा जाए तो वो जो उर्दू में याद किया है उसको टूटी फूटी इंग्लिश में पहुंचा देना, क्योंकि जब आप इसको रट्टा लगाने का सोचेंगे ना तो वो मुश्किल काम लगेगा। अब जैसे मटेरियल प्राइस वेरियंस है, मटेरियल प्राइस वेरियंस, इसमें दूसरा बुलेट पॉइंट देखिएगा फेवरेबल का, अब अगर आप ये रटा लगाएंगे मटेरियल वर परचेज, परचेज के पास क्या था, परचेज परचेज, हाँ इन इन था, अगर ये काम करेंगे तो फिर मुश्किल है याद रखना। सेकंड बुलेट पॉइंट का निचोड़ कीवर्ड क्या है, बल्क डिस्काउंट, कि हमने ज्यादा क्वांटिटीज में खरीद लिया इसलिए बल्क डिस्काउंट है। अब ये जो बल्क डिस्काउंट का वर्ड आपने याद किया है, इसकी अगली पिछली अंग्रेजी आप खुद बना लेंगे, तो इस तरह से कीवर्ड्स बस याद कर लीजिएगा इसके। तो ये आपसे थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं कॉस्ट वेरियंसेस के फेवरेबल या एडवर्स वेरियंसेस के पॉसिबल रीजंस। तो कॉस्ट वेरियंसेस खत्म हो गए, और मैंने शुरू में एक बात की थी कि इन सारे के सारे कॉस्ट वेरियंसेस को हम किस बुनियाद पे कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर एक्चुअल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड हमने सारे कॉस्ट वेरियंसेस एक्चुअल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड के हिसाब से कैलकुलेट किए हैं। कॉस्ट वेरियंसेस डन। सेल वेरियंसेस, एक होता है सेल प्राइस वेरियंस, वहां नोट से नहीं, इधर देखिएगा सेल प्राइस वेरियंस, इसको देख के बताएं, सोचें क्या फार्मूला होना चाहिए इसका। सेल प्राइस वेरियंस, अच्छा आप सेल प्राइस वेरियंस हम मटेरियल का कैलकुलेट कर रहे हैं, फिनिश गुड्स का, ये मटेरियल के किलो की बात हो रही थी जो हमने खरीदा, अब हम फिनिश गुड्स के बेचने की बात कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए फार्मूला? चलो इसका फैसला बाद में करता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, क्या बस जी बताएं रेट क्या लगाऊं, सेल प्राइस वेरियंस, एक में एक्चुअल प्राइस आ जाएगी, एक में स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगी, पहले माइनस से क्या रखूं, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस यहां, क्यों, क्योंकि जो सोचा था उससे महंगा बेच लिया तो अच्छी बात है, तो इसलिए पहले रखा ताकि आंसर पॉजिटिव आए तो वो फेवरेबल हो, तो ये सेल प्राइस वेरियंस है। एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। और जिस तरह पहले भी मैं, मुझे लगता है मैं साथ साथ बता रहा था, ये क्या चीज है, एक्चुअल टोटल सेल्स फॉर द ईयर, ये एक्चुअल टोटल सेल्स फॉर द ईयर है। यूनिट्स की क्वांटिटी ना, क्वांटिटी तो यूनिट्स क्वांटिटी ही है ना, बस बात ये हो रही है कि ये हम अब फिनिश गुड्स की बात पे चले गए, ये रॉ मटेरियल की बात हो रही थी। तो सेल प्राइस वेरियंस का फार्मूला वहां लिखा हुआ है नोट्स में, पेज 7 पे आ गया हूं मैं, नहीं पेज 8 पे आ गया हूं, सेल वेरियंसेस के अंदर नंबर 1 सेल प्राइस वेरियंस। अच्छा मैंने कल काफ़ी तफसील से कोशिश की है बताने की कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स और अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, अगर अभी भी कुछ शक है तो वो दोबारा सुन लेना जाके। सेल प्राइस वेरियंस डन। इस चैप्टर को मैंने शुरू यहाँ से किया था कि बजटेड प्रॉफिट सोचा था,
और एक्चुअल प्रॉफिट इससे डिफरेंट आया, तो हम लोग फिर रिकंसाइल नहीं फर्क ढूंढने चले गए, और वो फर्क ढूंढना ही वेरिएंस एनालिसिस है। अगर हमने बजट किया था कि 4000 यूनिट्स बेचेंगे और एक के ऊपर 500 रुपए कमाएंगे, तो कितना प्रॉफिट बजट सोचा था? 2 मिलियन। जबकि असल में हमने 3000 यूनिट्स बेचे और एक के ऊपर हमने 400 रुपए प्रॉफिट कमाया, 12 लाख। ये जो फर्क आया है 8 लाख का, हम इस 8 लाख को ढूंढ रहे हैं, और ये सारा वेरिएंस एनालिसिस है। ये जो मैंने यहाँ 4000 यूनिट्स और 3000 यूनिट्स लिखे हैं, ये एक्चुअल प्रोडक्शन के सेल, क्योंकि प्रॉफिट का ताल्लुक तो सेल से है, और ये बजटेड सेल। अभी फिलहाल फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसकी एक बाद में अलग एडजस्टमेंट आएगी। अभी फिलहाल फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को छोड़ देते हैं। तो ये 3000 यूनिट्स एक्चुअल सेल भी है और एक्चुअल प्रोडक्शन भी है। अभी फिनिश गुड्स इग्नोर कर देते हैं, इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल सेल, और ये बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड सेल। अभी तक हमने जितने कॉस्ट वेरियंसेस पढ़े, मटीरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, वो सारे के सारे किन यूनिट्स, फिनिश गुड्स के यूनिट्स को सामने रख के कैलकुलेट किए गए हैं, बताएं इनमें से कौन से? 3000। अभी तक हमने जितने कॉस्ट वेरियंसेस पढ़े, वो सब के सब इस पे बेस्ड है कि जो 3000 यूनिट्स बने उन पे इतना खर्चा लगना चाहिए था और इतना खर्चा लगा। वो सारी कैलकुलेशंस हमारे इन 3000 यूनिट्स को जस्टिफाई कर रही थी कि इन 3000 यूनिट्स के ऊपर कितना खर्चा होना चाहिए था, कितना खर्चा हुआ। ये जो अभी अभी सेल प्राइस वेरियंस पड़ा, चलो यही सेल प्राइस वेरियंस, ये किस यूनिट्स के ऊपर कैलकुलेटेड है? 3000 या 4000? 3000। ये भी 3000 पे बेस्ड है। यानी अभी तक हमने जो जस्टिफाई किया है, अभी तक जो रीजंस ढूंढे हैं, वो ढूंढे हैं कि ये जो 500 रुपए होना चाहिए था, ये 400 रुपए क्यों हुआ। सेल प्राइस के भी वर्क ढूंढ लिया और खर्चों के भी फर्क ढूंढ लिए, लेकिन ये सारे फर्क किस क्वांटिटी के लिए सॉल्व किए हैं अभी तक? 3000 के लिए। मैं आपको ना जो अगला वेरियंस बताने लगा हूं उसकी कहानी सुना रहा हूं, अगर ना भी कहानी समझ आई तो फार्मूला वही है, करना है सॉल्व। मैं उस फार्मूले तक पहुंचाने की कहानी सुना रहा हूं। जो सेल प्राइस वेरिएंस निकाला है वो भी इन 3000 यूनिट्स की बात हो रही है कि ये 3000 यूनिट्स कितने के बिके और ये 3000 यूनिट्स कितने के बिकने चाहिए थे। तो सेल प्राइस वेरिएंस भी 3000 यूनिट्स की बात कर रहा है, और जितने कॉस्ट वेरिएंसेस निकाले हैं, मटेरियल वेरिएंस, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, वो सब के सब भी क्या थे कि जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए उनके लिए कितना खर्चा होना चाहिए था, कितना हुआ। अभी तक हम लोगों ने जो इस 8 लाख की वजह ढूंढी हैं, वो सारी की सारी वजह हमने सेल प्राइस और कॉस्ट की ढूंढ ली, लेकिन कितने यूनिट्स को सामने रखते हुए? 3000 ना। जबकि इस 12 लाख और इस 20 लाख में फर्क सिर्फ ये है कि 500 सोचा था, 400 हुआ। फिर 1000 यूनिट्स का भी तो फर्क है ना। हमने सोचा था 4000 यूनिट्स बिकेंगे जबकि 3000 बिके। अभी तक जो सेल प्राइस वेरिएंस निकाला, मटेरियल के कॉस्ट वेरिएंसेस, सारे वेरिएंसेस निकाले, उन सब में हमने अभी तक किस पे फोकस किया हुआ था? 3000 यूनिट्स के ऊपर। और हम बात कर रहे थे इन 3000 यूनिट्स के लिए कितना बिकना चाहिए था, कितने का बिका, कितना खर्चा आना चाहिए, कितना खर्चा आया। तो हमने प्रॉफिट्स के फर्क ढूंढे जरूर हैं, लेकिन अभी तक हम एड्रेस ही नहीं कर सके किस बात को कि वो जो 1000 यूनिट्स कम बिके उनका क्या भाई। तो हम उन 1000 यूनिट्स का अभी तक कोई वेरियंस नहीं निकाल सके। उसका एक ही वेरियंस होता है जिसको कहते हैं सेल वॉल्यूम वेरियंस। अब ये उन 1000 की बात करेगा कि वो जो 1000 और बेचने सोचे थे नहीं बिक सके, अब ये उस 1000 की बात करेगा। ये बात फिर सुने, हमने 3000 यूनिट्स के लिए
प्रॉफिट के फर्क की वजह, यानी सेल प्राइस और कॉस्ट, ये सब ढूंढ लिए ना। देखिए प्रॉफिट का फर्क मतलब सेल और कॉस्ट का फर्क, तो हमने सेल का फर्क ये ढूंढ लिया, कॉस्ट का फर्क, सारे कॉस्ट वेरिएंसेस ढूंढ लिए। लेकिन ये सारे वेरिएंसेस हमने किन यूनिट्स के लिए अभी तक पूरे किए हैं? इस गिनती 3000 के लिए, जबकि 1000 के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो 1000 यूनिट्स की ना ही अभी तक सेल का फर्क ढूंढा गया, ना ही किसी कॉस्ट का फर्क ढूंढा गया। तो इन सब को मिला के एक ही वेरिएंस निकल आता है, उसको कहते हैं सेल वॉल्यूम वेरिएंस। और सेल और कॉस्ट सबको मिला के कंबाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा? सेल कॉस्ट सब आपस में नेट कर दिया, प्रॉफिट। तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस प्रॉफिट की फिगर को इस्तेमाल करके कैलकुलेट होगा। और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो फिक्स्ड ओवरहेड तो पर यूनिट नहीं होते उसमें, तो उसमें प्रॉफिट की जगह क्या यूज होगा? कंट्रीब्यूशन। अब आप पढ़ लें दूसरा वेरिएंस, और इस दूसरे वेरिएंस के अंदर तो अब हम सेल वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर किन यूनिट्स की बात करने लगे? वो जो 4,000 और 3,000 यूनिट्स का फर्क है। देखिए 4,000 बजटेड क्वांटिटी सेल और 3,000 यूनिट्स, और एक्चुअल को इधर माइनस से पीछे क्यों रखा है? ताकि जितना सोचा था उससे ज्यादा बेच लिया तो फेवरेबल आंसर आए, और जितना सोचा था उससे कम बेचा तो एडवर्स। तो इसलिए ये प्लस माइनस का ध्यान रख के ना इनकी जगह सोची गई है। तो अब ये 3000 यूनिट्स और 4000 यूनिट्स, ये अब उन 1000 यूनिट्स की बात हो रही है। अगर बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता है तो प्रॉफिट पर यूनिट, और अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से क्या मुराद है? ये स्टैंडर्ड कार्ड हमने बनाया हुआ है कि एक यूनिट इतने में कॉस्ट करेगा, इतने में बिकेगा, तो जो प्रॉफिट है वो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट है। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा? 25 में से 8, 4 और 2 माइनस कर लें बस, ये स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता होगा तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला ये, और अगर बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता होगा तो वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला ये। इलस्ट्रेशन 8 सॉल्व कर दें।
इतनी देर का तो नहीं है यार। सेल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सेल माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सेल, ये क्या चीज़ है? 270,000 माइनस स्टैंडर्ड प्राइस 25 रुपये इनटू हमने कितने यूनिट्स बेचे, ये 270 टोटल है, 27 रुपये का एक है तो 10,000 यूनिट्स 20 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और सेल वॉल्यूम वेरिएंस एब्जॉर्प्शन वालों के लिए इसका फार्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी सेल यानी 10,000 माइनस बजट क्वांटिटी सेल 9,200 इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, यानी इसमें से सारे माइनस 8,6400। और अगर मार्जिनल वालों के लिए निकालना हो तो 10,000 माइनस 9,200। अब इस 25 में से ये सब माइनस नहीं, ये 3 माइनस करने, या फिर 8 रुपये से 3 ऐड बैक कर लें, 11,888 जी पूछें इसमें जो फिगर नहीं समझ आई। हाँ जी सेल वेरिएंसेस ओके। अच्छा ठीक ठीक उन फिगर्स में बताइए कोई इतराज है तो। चलें जैसे कॉस्ट के पॉसिबल रीजन से सेल वेरिएंसेस की भी पॉसिबल रीजन है, जैसे सेल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल क्यों आ गया, क्योंकि एक्चुअल सेल प्राइस ज्यादा हो गई। क्यों ज्यादा हो गई? कंपेरेटर्स मार्केट से आउट हो गए, हमने ज्यादा प्राइस चार्ज कर ली, डिमांड बढ़ गई, हमने प्राइस ज्यादा चार्ज कर ली, प्रोडक्ट की बेहतर क्वालिटी बना पाए थे इसलिए प्राइस ज्यादा चार्ज कर ली, ये हैं पॉसिबल रीजंस। तो पॉसिबल रीजंस ये सेल वेरिएंसेस के, वेरिएंसेस की कैलकुलेशंस हो गई, अब आगे इनका इस्तेमाल हो सकता है। सवाल में आपको डेटा दे के और ये वेरिएंसेस नाम लेके पूछे हो तो बस ठीक है, जो जो वेरिएंस नाम लेके पूछा है वो बता देंगे आप। मैं भी एग्जाम क्वेश्चन करूंगा सॉल्व और अब से ऑनवर्ड प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, क्योंकि फार्मूलों की हद तक मिक्स यील्ड वेरिएंसेस हैं वो बताने, उसके अलावा फार्मूले हो गए हैं पूरे, बस अब मेनली प्रैक्टिस ही करानी है, प्रैक्टिस क्लास वर्क होमवर्क सब मिला के आसान से लेवल बढ़ाता जाऊंगा, फिर उसके अलावा रिवर्स वर्किंग्स कैलकुलेशंस हैं, प्रोसेस मिक्स करके वेरियंस कैलकुलेशंस होनी जा रही हैं अब आगे। तो मैं सवाल पूरा करूँगा सॉल्व, उसके लिए पहले कुछ नसीहतें बता दूँ आपको। पहले तो इस ये मैंने पेज
8 के ऊपर एंड पे एक डब्बा बना के आपके लिए टिप्स लिखी हुई है, इनमें से पहले तो थर्ड बुलेट पॉइंट पढ़ लें, ये मैं ऑलरेडी बता चुका, और फोर्थ भी पढ़ लें, ये भी बता चुका। हाँ जी, थर्ड फोर्थ डन। पहला पढ़ लें, आपको शायद समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं तो मैं सवाल सॉल्व करते हुए तो कह ही दूंगा। पहला बुलेट पॉइंट पढ़ लें। और ये मैंने बोल्ड किया है क्योंकि आप सुस्ती के मारे होंगे कि नहीं सर क्या जरूरत है, है जरूरत, जिन सवालों में आप फंसेंगे तो पता लगेगा क्या जरूरत थी उसकी, इसलिए स्टैंडर्ड कार्ड हम बनाया करेंगे वर्किंग के अंदर। अच्छा जी, और आप इसमें से बस अभी यही है, बाकी बाद में बताता हूँ। वेरिएंसेस पढ़ लिए, इन सारे वेरिएंसेस की डिस्कशन, और मैंने आज अभी रिपीट भी किया था, शुरू ही कहाँ से की थी कि बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में फ़र्क आया, वो फ़र्क ढूंढ रहे थे। अगर हमने सारे फ़र्क ढूंढ लिए, जब दो फिगर्स में फ़र्क होता है ना, और उन फ़र्क को हम सब ढूंढ लें, तो कैसे पता सारे फ़र्क ढूंढ लिए हैं? रिकंसिलिएशन बनाई जाती है, जैसे अभी अभी मार्जिन अब्जॉर्प्शन में रिकंसिलिएशन पड़ी है, उससे पहले अगर अगर आपने इंट्रो पढ़ी हुई है अगर, तो बैंक रिकंसिलिएशन होती थी। तो जो भी हम दो फिगर्स ऐसी लें जिनमें फ़र्क नहीं होना चाहिए, चलो है, उनकी वजह ढूंढ लेना, तो ये साबित करना हो कि बस यही वजह थी, उसके लिए बनती है रिकंसिलिएशन। तो अगर बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में फ़र्क है, और वो फ़र्क ही हम जो ढूंढ रहे हैं वही तो वेरिएंस एनालिसिस है, तो इस बात को साबित करने के लिए कि बस यही फ़र्क थे, रिकंसिलिएशन बनाई जाती है, और आपसे ये नाम लेके पूछी भी जा सकती है। ये पेज 9 के ऊपर, इसको ऑपरेटिंग स्टेटमेंट भी कह के पूछा जा सकता है, पेज 9 के ऊपर ऑपरेटिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं इसको। हाँ ठीक है, पेज 9, ये रिकंसिलिएशन है बेसिकली। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है कि बजटेड प्रॉफिट से शुरू करना है, और जितने वेरिएंसेस निकाल लिए उन सबको यहाँ लिस्ट डाउन कर देना है, और दिस प्लस माइनस का जो आंसर है ये इंशाल्लाह एक्चुअल प्रॉफिट के बराबर ही होगा। अब इसमें आपको यहाँ देख के दो सवाल पूछने चाहिए, एक तो ये कि इसमें कौन सा प्लस कौन सा माइनस, तो वो फार्मूले सेट ही इस तरह किए थे कि जो पॉजिटिव आए वो फेवरेबल हो, जो नेगेटिव है वो एडवर्स हो, तो जो जो जिस जिस हालत में निकल रहा है उस हालत में लिख दें, पॉजिटिव निकला हुआ है पॉजिटिव लिख दें, नेगेटिव निकला हुआ है नेगेटिव लिख दें। दूसरा सवाल ये पूछना बनता है कि मैंने यहाँ मटेरियल प्राइस वेरिएंस लिखा है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस लिखा है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किधर है, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, लेबर एट ए टाइम लिख दिया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस किधर है, वो इन दोनों को मिला के एक चीज़ है, अगर वो भी यहाँ लिख दिया तो डबल हो जाएगा, तो इसलिए वो जो कॉस्ट वेरियंसेस थे वो नहीं लिखने इसके अंदर। अब ये सारे नाम देख लें, ये वही हैं जो हम एक एक करके पढ़ चुके हैं, और यहाँ मैंने बात दोबारा पहले बताई हुई है, यहाँ बात दोबारा लिख दी मैंने, ये वो भी बोल्ड करके। ये क्या है कि अगर मार्जिनल का सवाल होगा तो ये सब कुछ ऐसे ही है, ये लाइन नहीं होगी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करने वाले बिजनेस के फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस होते ही नहीं है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सवाल होगा तो ये लाइन होगी, और इसी तरह से यहाँ दोबारा नहीं लिखा, इससे ऊपर बता चुका, ये मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इनकी कैलकुलेशन का फर्क है बस, बाकी वेरिएंसेस का मार्जिनल अब्जॉर्प्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इस सेल वॉल्यूम वेरिएंस की कैलकुलेशन का फर्क है और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस की मौजूदगी का फर्क है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगी तो इसकी कैलकुलेशन और है, मार्जिनल कॉस्टिंग होगी तो इसकी कैलकुलेशन और है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगी तो ये लाइन है, मार्जिनल कॉस्टिंग होगी तो ये लाइन ही नहीं है, बाकी सारे वेरिएंसेस में कोई फर्क नहीं मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का। जी
नहीं, आप पूछ रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सिर्फ वॉल्यूम वेरिएंस का मसला क्यों है? फार्मूला क्या होता है? फिक्स्ड ओवरहेड्स। अच्छा, ये मेरी एक गलती है, गलती नहीं है, मैं एक्चुअली ये समझ रहा हूँ कि वी ओ एच और एफ ओ एच, मैं यहाँ पर वी और एफ वेरिएबल और फिक्स्ड कह रहा हूँ, वरना एफ ओ एच तो फैक्ट्री ओवरहेड होता है, तो मैंने असल में वो वेरिएबल का वर्ड और फिक्स्ड का वर्ड लिखने की बजाय वी ओ एच और एफ ओ एच कह दिया, वरना ये फिक्स्ड है, ये दोनों फिक्स्ड हैं, ये वेरिएबल हैं। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरियंस का फार्मूला क्या होता है? याद नहीं है, कब होगा याद? बजटेड फिक्स्ड एफ ओ एच माइनस एक्चुअल फिक्स्ड एफ ओ एच। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में होते हैं फिक्स्ड एफ ओ एच, बजटेड भी होते हैं, एक्चुअल भी होते हैं। जो बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता होगा, क्या उस बिजनेस में फिक्स खर्चे नहीं होते? होते तो हैं, तो वो बजट भी करते होंगे और एक्चुअल भी होते होंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स भी हो सकते हैं और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स भी होते हैं, हो सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम वेरियंस का फार्मूला है अप्लाइड माइनस बजटेड। अप्लाइड नहीं होते मार्जिनल के अंदर, जब मार्जिनल कॉस्टिंग में अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स होते ही नहीं है, तो फिर मार्जिनल कॉस्टिंग में ये फार्मूला ही नहीं होता। अप्लाइड क्यों नहीं होते? अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकालते हैं? अच्छा, इनटू फिक्स्ड ओआर पर यूनिट। तो मार्जिनल में तो फिक्स्ड ओआर होता ही नहीं है, मार्जिनल में तो फिक्स्ड ओआर ही नहीं होता, मार्जिनल में फिक्स्ड ओआर नहीं होता, बस सिर्फ वेरिएबल तक होता है। तो जब फिक्स्ड ओआर ही नहीं होता तो फिक्स्ड अप्लाइड कैसे होंगे? जब फिक्स्ड अप्लाइड ही नहीं होंगे तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस भी नहीं होगा। तो रिकंसिलिएशन के फॉर्मेट में ऐसा कोई मसला नहीं है याद करने वाला, जो वेरिएंसेस हैं बस उनको लिख दें। बजटेड प्रॉफिट से स्टार्ट होगा, सारे वेरिएंसेस लिख देंगे और इसका आंसर एक्चुअल प्रॉफिट के बराबर आएगा, ये रिकंसिलिएशन होती है। और अगर आपको सवाल में सिर्फ इतना कहा हुआ है कि रिकंसिलिएशन बना दें, तो मतलब सारा सवाल है, सारे वेरिएंसेस निकालने पड़ेंगे। हैं, क्या कर दे? वेरिएंसेस ही सारे खुद ही निकाल दे और कहे कि बेटा वेरिएंस बना दो, रिकंसिलिएशन बना दो। चलो कर दे तो कर दे। रिकंसिलिएशन में से कोई सवाल? अच्छा, ये पेज 10 के टॉप पे भी मैंने एक डब्बा बनाया हुआ है और पहला बुलेट पॉइंट पढ़ने बता दिया मैंने। पहला बुलेट पॉइंट, पेज 10 के टॉप पे, और दूसरा बुलेट पॉइंट आधा पढ़ लें, बाकी आधा अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि नाम नहीं पढ़े हमने, लेकिन चलो नाम ना सही बात तो समझ आ जाएगी। दूसरा बुलेट पॉइंट सारा ही पढ़ लें वैसे। हाँ जी, हैं, पहला भी समझा दूं? पहले का मतलब यह है कि अगर सवाल के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस की बजाय वो दोनों भी अलग से रिक्वायर्ड थे, कौन से दोनों? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के दो टुकड़े बताए थे, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, अगर वो दोनों भी सवाल में कहीं ना कहीं कैलकुलेट किए हुए हैं तो ये लाइन ना लिखना, इसकी जगह वो दो लाइनें लिख देना। इसी तरह से हमने ना मटेरियल यूजेज वेरिएंस के भी दो टुकड़े पढ़ने आगे चल के, तो अगर वो भी कहीं रिक्वायर्ड हुए सवाल में तो मटेरियल यूजेज की लाइन की जगह वो दो लाइनें आ जाएंगी, ये मैंने इसमें कहा। और ये तीसरा बुलेट पॉइंट अभी नहीं पढ़ाया। चलें जी, सवाल करते हैं।
अच्छा, कौन सा सवाल? आप आ जाइए क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में से। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान से शुरू करते हैं, फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। हैं, क्या हुआ? नहीं नहीं पुरानों से शुरू करेंगे, आसान होते थे पहले। ऑटम टेन यानी सितंबर 10, सितंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। सितंबर 10 क्वेश्चन नंबर 6 एबीसी लिमिटेड, पढ़ लीजिए मैं करता हूं। जी पढ़ लें तो मैं शुरू करूं। सारे वेरिएंसेस निकालने हैं और रिकंसिलिएशन बनानी है, बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट को रिकंसाइल करना है और सारे वेरिएंसेस निकालने हैं। अच्छा, ये जो उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, टू वेरिएंसेस ईच फॉर सेल, यानी सेल प्राइस वेरिएंस, सेल वॉल्यूम वेरिएंस, रॉ मटेरियल, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, लेबर, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और ये जो आगे लिखा ना, फोर वेरिएंसेस फॉर ओवरहेड्स, ये एक पुराना कॉन्सेप्ट था, फोर वेरिएंस मेथड कहते थे इसको। ये ओवरहेड्स के वेरिएंसेस निकालने का एक थोड़ा डिफरेंट से फार्मूलों का तरीका था, ये और भी कुछ पुराने सवालों में लिखा नजर आएगा, फोर वेरिएंस मेथड। तो वो एक डिफरेंट तरीका था, अब वो नहीं है किताबों के अंदर, अब हमने डिफरेंट, अब वो पढ़ना जो मैंने बताया हुआ है। ये कुछ पुराने सवालों के अंदर फोर वेरिएंस मेथड एक चीज़ होती थी, तो अब जब ये कैफ की स्कीम की किताबें रिवाइज हुई थी तो उसमें वो नहीं है। ठीक है, फोर वेरिएंस मेथड एक होता था सवालों में, पुराने सवालों में, 2014 से पुराने सवालों में आपको एक नज़र आएगा वर्ड, तो उसको देख के घबराना नहीं है। हमने जो वेरिएंस के फार्मूले पढ़े हैं ओवरहेड्स के, वही फार्मूले लगाने। अच्छा जी, अब इसमें रिकंसिलिएशन करनी है, यानी सारे वेरिएंसेस निकालने हैं, तो रिकंसिलिएशन के लिए भी और सारे वेरिएंस निकालने में से भी दो वेरिएंसेस के लिए जानना ज़रूरी है कि मार्जिनल कॉस्टिंग है कि अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है। कौन से दो वेरिएंसेस के लिए? वॉल्यूम वेरिएंस, सेल वॉल्यूम वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो कैसे पता कि मार्जिनल कॉस्टिंग है कि अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है? ये कैसे पता कि बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहा है कि अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहा है? तो मार्जिनल में क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं होते?
स्टैंडर्ड कार्ड दिया हुआ है और उसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड 10 रुपए पर यूनिट आ रहे हैं, तो फिर ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता है। यहां से पहचाना करेंगे। वेरियंस के सवाल में हमें जरूरी होगा जानना कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है कि मार्जिनल कॉस्टिंग है, ये जरूरी होगा। अक्सर सवालों में वैसे बता दिया होता है, लेकिन अगर नहीं बताया तो हम स्टैंडर्ड कार्ड को देख के पहचान लेंगे। तो ये बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता है। सवाल की रिक्वायरमेंट तो रिकंसिलिएशन है। आप ये भी कर सकते हैं कि रिकंसिलिएशन से स्टार्ट करें और बाकी सब वर्किंग्स बनाएं, और ये भी कर सकते हैं कि बस वेरियंस निकालते जाएं और एंड पे रिकंसिलिएशन की हेडिंग देकर रिकंसिलिएशन बना दें, कोई मसला नहीं है। मैं इससे ही चल रहा हूं कि सारे वेरियंस निकाल देंगे और एंड पे रिकंसिलिएशन बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ऑटम 10। स्टैंडर्ड कार्ड सवाल में दिया हुआ है या हम लोग बना लें? बनाएं। इस तरह के सवालों में आप धोखा खा जाया करेंगे, और जहां जहां मुझे लगता है ना कि आप फंसेंगे जाके, तो मैं वो मौके पे बताऊंगा कि ये जो लोग जो स्टैंडर्ड कार्ड नहीं बनाते, यहां फंसना था उन्होंने आके। तो इसलिए सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना, स्टैंडर्ड कार्ड बनाना है। स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हैं। जिनको लग रहा है कि बना हुआ है, फिर भी नहीं बनाना है आपने। क्वांटिटी, रेट और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल। डायरेक्ट मटेरियल कितना? 2.5 kg। डायरेक्ट मटेरियल है 2.5 kg, और 1 kg कितने का? 50 का। तो ये बन गया 125। डायरेक्ट लेबर, लेबर के 2 घंटे और 1 hour 100 का 200। वेरिएबल FOH, अच्छा आप देखिए, वेरिएबल FOH मैंने कहा था कि ये आपको लेबर आर से भी लिंक मिल सकता है और मशीन आर से भी। अगर तो ये लेबर आर से लिंक्ड है तो फिर तो यही क्वांटिटी नीचे छाप दें, यही जो ऊपर लिखी है यही इधर छाप दें, क्योंकि जब ये लिंक्ड ही लेबर आर से, तो एक यूनिट बनाने में जितने लेबर आर लगने हैं यहां भी वही लिखने। और अगर ये मशीन आर से लिंक्ड होता तो फिर मशीन आर बताए होते। रेट क्या है इसका? 25। फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं तो ये दोनों भी सेम ही होंगे। हाँ, ये जज्बाती हरकत है। ये 10 है, ये 5 है। अच्छा, इनको क्यों सम नहीं कर रहा मैं? ये डिफरेंट, वो रुपी पर केजी है, रुपीस पर आ रहा है, इनको नहीं करना। ये क्या चीजें कि प्रोडक्ट का एक यूनिट इतने रुपए का मटेरियल लगेगा, इतना लेबर लगेगा, इतने ओवरहेड लगेंगे, तो प्रोडक्ट का एक यूनिट इतने रुपए कॉस्ट करेगा। और जब इतने रुपए कॉस्ट करेगा और हमने इसको बेचना 600 का है, तो एक यूनिट पे स्टैंडर्ड हम कितना प्रॉफिट कमाया करेंगे? 200। क्यों चाहिए स्टैंडर्ड प्रॉफिट? क्यों निकालना पड़ा? सेल वॉल्यूम वेरियंस के लिए निकालना पड़ेगा। और जो जज्बाती लोग, जिद्दी लोग यहां स्टैंडर्ड कार्ड ना बनाते तो वो 215 कैसे निकालते? वो कहते सारा कुछ सामने हम कर लेंगे, तो वो क्या करते, 600 रुपए में से 50 रुपए माइनस कर देते, 100 रुपए माइनस कर देते, 25 रुपए माइनस कर देते और 10 रुपए माइनस कर देते, और कहते ये प्रॉफिट पर यूनिट है। 600 रुपए प्राइस पर यूनिट है, तो जो कैलकुलेटर के ऊपर करता वो 600 में से 50 रुपए माइनस करता, 100 रुपए माइनस करता, 25 रुपए माइनस करता, 10 रुपए माइनस करता और प्रॉफिट निकाल लेता।
तो इसलिए बेशक आपको नजर भी आ रहा हो कि नहीं बस ठीक है स्टैंडर्ड कार्ड बना हुआ, जब तक प्रॉपर इस शक्ल का, यानी इस शक्ल से मेरी मुराद ये है कि क्वांटिटीज रेट्स ये टोटल अलग अलग मिल रहे हैं तो ठीक है, फिर बेशक ना बनाए दोबारा। लेकिन अगर ये चीजें अंग्रेजी में छुपी हुई हैं तो फिर बना लें, बना लिया स्टैंडर्ड कार्ड। अब आगे वेरिएंसेस निकालते हैं, सेल प्राइस वेरिएंस। अच्छा पहले कौन से निकालने हैं, कोई नहीं बस तरतीब से शुरू कर देते हैं। सेल प्राइस वेरिएंस, अच्छा इसमें मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जब वेरिएंस निकालें तो एग्जामिनर ये तो नहीं रिक्वायर कर रहा कि आप फार्मूले लाजमी लिखें, लेकिन मेरी नसीहत है कि आप फार्मूले लाजमी लिखें। प्राइस वेरिएंस का फार्मूला, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सेल माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सेल। फार्मूला लिखने को मैं कह रहा हूं कि आप लिखें, वरना अगर आप डायरेक्टली फिगर्स लिख देंगे तो ठीक है गलत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप फार्मूला एक बार पूरा लिखें। दो मैं वजह बताता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा। एक तो ये कि अगर आपने फार्मूला लिखा है लेकिन गलती से फिगर्स इधर उधर की पिक हो गई, गलती से हो जाती है गलती, तो अगर आपने फिगर्स गलत भी निकाल दी, आंसर गलत निकाल दिया, लेकिन एग्जामिनर जब देखेगा कि फार्मूला उसने ठीक लिखा है, हो सकता है ये वेरियंस दो नंबर का हो सकता है आधा एक नंबर मिल जाए, तो इसलिए आप बेहतर है कि आप फार्मूला लिख दें। दूसरी रीज़न, फार्मूला नहीं लिखेंगे तो ये चीज़ें ढूंढने के लिए फार्मूला कहीं तो रखना पड़ेगा, कहाँ रखना पड़ेगा, दिमाग में, तो प्रोसेसिंग ज़्यादा होगी, सिस्टम हैंग हो जाएगा आपका, तो इसलिए आप यहाँ पर लिखें। गलत ऐसी हो गया यार, सिस्टम हैंग, हाँ प्रोसेसर आपका जो है ना वो हैंग हो जाएगा, तो आप फार्मूला लिखें और फिर एक एक करके चीजें ढूंढें, उससे पे प्रेशर नहीं पड़ा होगा सिस्टम पे। यार जब वालदेन ने नाम रखा होगा तो उनको अंदाजा भी नहीं होगा आप कितने मशहूर हो जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि वो मशहूर हो गए ना सिस्टम तो। फार्मूला लिखना है आपने, लिख लिया, अब इसके अंदर फिगर्स पुट करते जाते हैं एक एक करके। तो एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल सेल्स, ये आपको दी हुई है फिगर कितनी, 295,000, ये गिवन है। अच्छा जी, अगली नसीहत एक बड़ी ज़रूरी, आप ये फिगर तो यहाँ लिख देंगे ऐसे क्योंकि आपको लिखी इतनी नज़र आ रही है, और आगे कैलकुलेटर के ऊपर आप सेल प्राइस लिखेंगे 600, स्टैंडर्ड प्राइस, और यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे 480,000, एक्चुअल यूनिट सोल्ड 480,000 है, नीचे टेबल दिया हुआ है। अब ये आपको पता है कि ये 295,000 असल में रुपीज इन थाउजेंड्स है, आपके कैलकुलेटर को आपके दिल की बात नहीं पता है, उसको तो ये लिखा नजर आ रहा है, तो आप लोग जब यहां लिखा करें ना तो पूरी पूरी फिगर लिखा करें, वरना कल है मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड तो लिख देंगे लेकिन आप कैलकुलेटर के ऊपर इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। आप एक फिगर पूरी पूरी लिख रहे हैं और आप उसको रुपीज इन थाउजेंड समझ रहे हैं, लेकिन यूनिट्स इनटू प्राइस कर रहे हैं तो वो तो आंसर पूरा ही निकाल के देगा। आपने यूनिट्स लिखे और प्राइस लिखी, मुझे उम्मीद ये है कि इसके बारे में कोई स्टूडेंट ये सोच पाएगा कि मैं रुपीज इन थाउजेंड क्यों ना करके लिखूं, वो 600 पूरा लिखेगा और 480 पूरा लिखेगा, जबकि यहां पर उसने 3 जीरो लिखे होंगे, तो कैलकुलेटर को तो नहीं पता ना, वो तो इसके आपके लिखे हुए के मुताबिक आंसर निकाल के देगा, तो इसलिए कैलकुलेशन करते हुए आप कैलकुलेटर के ऊपर पूरी पूरी फिगर लिखा करें। हाँ जब एक बार एंड आंसर आ जाए, जैसे इसमें क्या आंसर आ गया, क्या आंसर आया, 7 मिलियन, पॉजिटिव नेगेटिव, एक बार जब आंसर आ गया तो आप बेशक इसको यहां पर 7 मिलियन लिख दें, कोई मसला नहीं,
कैलकुलेटर को पूरा काम कर लेने दें एक बार, उसके बाद आप चाहे ये लिख दें चाहे आप ऐसे लिख दें, वो फिर आपकी मर्जी है। कैलकुलेटर को कंफ्यूज ना करें। तो ऐसे लिख दूं? ठीक है जी, पूरा लिख दिया। सेल वॉल्यूम वेरिएंस, सेल वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहा है, तो एक्चुअल क्वांटिटी सेल माइनस बजट क्वांटिटी सेल इनटू स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन है प्रॉफिट पर यूनिट। कितने यूनिट्स एक्चुअली बेचे? अच्छा, जिनको एक्चुअल यूनिट्स ही ना मिल रहे हो, ये जो नीचे दूसरा टेबल बना हुआ है ना, ये लिखा हुआ है एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो कितने यूनिट्स असल में बेचे? 480,000। माइनस कितने बेचने सोचे थे? 5 लाख। लेकिन वो तो प्रोडक्शन है, 5 लाख सेल तो नहीं बताई, बजटेड प्रोडक्शन बताइए। ऊपर टेबल में बजटेड प्रोडक्शन लिखा है, बजटेड सेल तो नहीं लिखी हुई। कंपनी मेंटेन्स 25,000 यूनिट्स, तो ओपनिंग भी 25 और क्लोजिंग भी 25, मेंटेन्स, तो इसलिए जो प्रोडक्शन है वही सेल है। वरना अगर फिनिश गुड्स के यूनिट्स डिफरेंट होते तो हमें प्रोडक्शन नहीं सेल निकालनी पड़ती। तो फिनिश गुड्स के ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, कैसे पता सेम है? कंपनी मेंटेन्स फिनिश गुड्स थ्रू आउट द ईयर, तो इसलिए ओपनिंग फिनिश गुड भी 25,000, क्लोजिंग फिनिश गुड भी 25,000, इसलिए बजटेड प्रोडक्शन ही बजटेड सेल्स है। इनटू ये 215, और रुपीज भी बेशक बार बार ने लिखे हैं, रुपीज ही हैं सारे। फोर थ्री, अच्छा पूरा लिख रहे हैं तो पूरा ही बताएं फिर। मिलियन लिखना है, मिलियन लिख लें, मुझे कोई मसला नहीं, पूरा चला लें। 4300000 नेगेटिव, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यहां तक पहुंचे फिर मटेरियल की बात बताता हूं। यहां तक मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला लगाने से पहले यह देखना पड़ेगा कि केस वन है कि केस टू है। मटेरियल के तो केसेस थे ना, तो उसमें देखना पड़ेगा कि केस वन है कि केस टू है। केस वन यह था कि मटेरियल के किलो परचेज्ड और यूज्ड बराबर हैं, और केस टू यह था कि नहीं है। तो इसमें क्या है? केस वन ही है। आपको दूसरे टेबल के अंदर जहां एक्चुअल डेटा दिया हुआ है, सिर्फ इतना बताया है कि मटेरियल के 950,000 किलोज हैं, तो यही यूज्ड है, यही परचेज्ड है। अगर नहीं तो परचेज्ड कितने हैं? मटेरियल के किलो परचेज्ड कितने हैं? क्या 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 क्या
अच्छा, हाँ ये बाकी लोग भी सुनिए भाई, ये जो ऊपर सबसे पहली लाइन लिखी है ना, द कंपनी ऑपरेट्स, ये बाकी लोग भी ध्यान से सुने और ये बार बार आप पूछेंगे और मुझे उम्मीद है मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा। चलो पहले सवाल से शुरुआत हो गई, ये जो ऊपर लिखा हुआ ना कंपनी ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये बिजनेस स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाता होगा, उसकी डबल एंट्रीज करता होगा, वेरियंस की एंट्रीज करता होगा जो हमने नहीं पढ़ी है, ये मतलब है इसका। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्योंकि अगर मटेरियल प्राइस वेरियंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ परचेज तो इसका मतलब कुछ और था, और अगर इफ मटेरियल प्राइस वेरियंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस, तो ये दो अलग अलग केसेस थे ना। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करने का मतलब इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं है, कंपनी फॉलो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि वेरियंस का सवाल है बस, हमने ना पढ़ने हैं वेरियंस के फार्मूले, वेरियंस कैलकुलेट करना, वरना असल में ना बिजनेस स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करके इनकी एंट्रीज करता है, इनको एंट्रीज में यूज करता है, फिर वेरियंस की भी एंट्रीज करता है, वो नहीं है हमारे स्कोप के अंदर। तो कंपनी फॉलोज या कंपनी ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम का मतलब सिर्फ ये है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बस फॉलो कर रहा है बिजनेस। अब इसका लाजमी मतलब है कि एंड रिजल्ट इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा, नहीं। तो इस जुमले का मतलब हरगिज ये नहीं है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, बस याद हो गई ये बात जबानी है ना। सवाल के शुरू में लिखी हुई बात कंपनी ऑपरेट्स स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम का ये मतलब नहीं है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट है या एक्चुअल कॉस्ट है ये अलग से ढूंढना पड़ेगा सवाल में। हाँ जी चले, मटेरियल वेरिएंसेस के लिए देखना पड़ेगा कि केस वन है कि केस टू है। तो केस वन है क्योंकि फैसला होता है कि मटेरियल क्वांटिटी परचेज्ड और क्वांटिटी यूज्ड बराबर है कि नहीं है, अगर बराबर है तो केस वन था और अगर बराबर नहीं है तो केस टू था, और अगर केस टू था तो यह देखना था कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट है कि एट स्टैंडर्ड कॉस्ट है। तो यहां पर केस वन है सिंपली मटेरियल प्राइस वेरियंस इज इक्वल टू एस सी इंटू ए क्यू माइनस ए सी इंटू ए क्यू, एस सी जी 50 या 125 अच्छा चले मैं दोबारा पूछता हूँ, ए क्यू कितना है, एक्चुअल मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है, 950,000 ठीक है, 950,000 क्या केजी, मटेरियल की बात हो रही है केजी, तो इनटू क्या करूं 50, मटेरियल का रेट तो 50 है ना, वो तो इसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है कि एक प्रोडक्ट के यूनिट में कितने रुपए का मटेरियल लगेगा, मटेरियल का एक किलो का रेट तो 50 रुपए है, तो इसलिए मटेरियल के वेरिएंसेस, लेबर के वेरिएंसेस, इनफैक्ट इन सब के वेरिएंसेस में ये इस्तेमाल होना, ये नहीं होना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि मटेरियल के इतने किलो लगे और मटेरियल का एक किलो इतने का होना चाहिए था तो 50 का होना चाहिए था, 125 का नहीं। इस कॉलम की क्यों जरूरत पड़ी ये निकालने के लिए,
तो इस कॉलम की जरूरत प्रॉफिट निकालने के लिए पड़ेगी या आगे चल के मैंने फिनिश गुड इन्वेंट्री की एक वैल्यूएशन बतानी है तब जरूरत पड़ेगी बस, वरना इनके वेरियंसेस के लिए हमें इस कॉलम की जरूरत है। तो ₹50, ये चीजें हैं जो प्रैक्टिस से बेहतर होंगी। फार्मूले तो आप याद कर लेंगे, हो भी जाएंगे, फार्मूलों की फिगर्स भी लगानी आ जाएंगी, मसला होगा फार्मूले की फिगर ढूंढनी कहां से है। तो ये चीजें प्रैक्टिस से ही बेहतर होंगे, क्लास वर्क होमवर्क सब मिला के माइनस जी। ये पूरा क्या है 55 मिलियन, ये पूरा 55 मिलियन है दिया हुआ है 7 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मटेरियल यूजेज वेरिएंस एस सी इंटू एस क्यू माइनस एस सी इंटू ए क्यू। एस सी ₹50, एस क्यू जी एक्चुअल फिनिश गुड्स प्रोडक्शन के लिए इंटू 2.5। एस क्यू होता है जितने यूनिट्स एक्चुअली बने इनटू ये। एस क्यू है एक्चुअल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड इनटू स्टैंडर्ड में लिखे हुए किलो। तो एक्चुअल कितने फिनिश गुड्स बनी 480,000, ये तो सेल है। प्रोडक्शन भी यही है क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स 25,000 ही हैं, तो इसलिए एक्चुअल फिनिश गुड्स प्रोडक्शन 480,000 यूनिट्स है इन टू ये वाले किलो। कितना हो गया, कितना 12 लाख। ये एस क्यू है। एस क्यू होता है जितनी फिनिश गुड्स एक्चुअली बनी उनके लिए कितने किलो लगने चाहिए थे। तो 480,000 यूनिट्स इन टू स्टैंडर्ड में लिखे हुए किलो। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि फिनिश गुड्स इन टू स्टैंडर्ड में लिखे हुए किलो, तो एस क्यू आ जाएगा माइनस 50 इंटू असल में कितने किलो लगे, असल में मटेरियल के कितने किलो लगे 950,000। ये चीजें बेटा हो जाएंगी प्रैक्टिस से बेहतर, लेकिन ध्यान करना पड़ेगा कि किस फार्मूले में फिगर जो चाहिए वो कहां से आनी है। तो एक्चुअल मटेरियल कितने किलो लगे ये उस दूसरे टेबल में नजर आ रहा है 125,000 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इन फार्मूलों को देखें अच्छी तरह, मटेरियल वाले फिगर्स ढूंढें, सिर्फ नोट करने पे मुतमइन ना हुआ करें, आपको ये फिगर्स भी पता चल रही हो कि कहां से ली हैं। मटेरियल वेरिएंसेस डन। क्या हुआ, कितने बजे शुरू की थी हमने? 10:30। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस में भी देखना पड़ता है कि लेबर का केस वन है कि टू है।
केस वन क्या था कि कोई आइडल आर्स नहीं है, तो कहीं आइडल आर्स का कोई जिक्र, कोई आर्स वर्कड और पेड का फर्क, तो बस फिर सादा सा केस वन है, लेबर रेट वेरियंस इज इक्वल स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर्स। स्टैंडर्ड रेट 100 या 200, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेबर के रेट की, कि लेबर का पर आवर रेट क्या है, तो 100 इनटू लेबर ने एक्चुअली कितने आर्स काम किया, 990 माइनस ये क्या है, ये लेबर की एक्चुअल कॉस्ट है, दी हुई है 105 मिलियन। सिक्स मिलियन नेगेटिव, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आर्स। एसएच कैसे निकालते हैं, जितने फिनिश गुड्स एक्चुअली बने इनटू स्टैंडर्ड में लिखे हुए आर्स। एसएच होता है जितने फिनिश गुड्स के यूनिट्स बनाए उन पे कितने घंटे लगने चाहिए थे, ये एसएच होता है। तो फिनिश गुड्स कितनी बनाई, 480,000, कितने घंटे लगने चाहिए थे, इनटू 2 960,000 माइनस 100 इनटू एक्चुअली कितने घंटे लगे, 990 3 मिलियन नेगेटिव। कौन सा एक्चुअल रेट, यानी एक्चुअली वेज रेट क्या बढ़ा इनटू एक्चुअल कितने आर्स लेबर ने काम किया, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या चीज है, एक्चुअल टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर है ना, तो वो दी हुई है सवाल में। मैंने साथ साथ कुछ चीजें मार्क करवाई थी ना, कि आप ऐसे भी याद रखिए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं निकाल लें। एक्चुअल वेज रेट कैसे निकालें, 105 मिलियन दिया हुआ है, आर से डिवाइड कर ले, वेज रेट आ जाएगा, उस वेज रेट को मल्टीप्लाई कर लें आर से, तो ये आ जाएगा। ये को परेशान परेशान से लग रहे हैं मुझे आप, ठंड लग रही है नहीं यार, अच्छा ये ऊपर ही है, वेरिएबल ओवरहेड्स। अच्छा अगर वेरिएबल ओवरहेड्स लेबर से लिंक्ड हो ना, तो ये बड़ा आसान हो जाता है, ये सारे आर्स यहाँ निकाले हुए हैं, इन्हीं आर्स का बस रेट ही बदलना है। अगर वेरिएबल ओवरहेड्स लेबर से लिंक्ड है तो ये सारे आर्स निकले हुए हैं इधर, वेरिएबल ओवरहेड्स रेट वेरियंस को कहते हैं स्पेंडिंग वेरियंस, फार्मूला यही वाला है, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आर्स माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आर्स, बस सिर्फ इसने बदलना है। वेरिएबल ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट कितना, 25 या 50 25, 25 इंटू क्योंकि लेबर वाले तो आर्स है 990 माइनस ये क्या चीज है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड फॉर द ईयर कितने हैं,
26 मिलियन, एडवर्स वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरियंस, यही फार्मूला, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आर्स। रेट का फ़र्क है, आर्स वही हैं, इनटू 960 माइनस 25 इनटू 990 जी, पॉजिटिव नेगेटिव, और लास्ट दो स्पेंडिंग वेरिएंस होता है बजटेड माइनस एक्चुअल। बजटेड ना दिए हो तो निकाल सकते हैं, चाहे तो 10 रुपए इंटू 5 लाख कर लें, 5 लाख क्या है बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, 10 रुपए क्या है रुपीस पर यूनिट, चाहे ये कर लें और चाहे 5 रुपए इंटू 5 लाख। बजटेड आर्स कितने, बजटेड आर्स क्या होते हैं, बजटेड प्रोडक्शन के लिए कितने आर्स लगने चाहिए थे, तो 5 लाख यूनिट के लिए कितने आर्स लगने चाहिए थे, मैंने बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स बताया था, ये दोनों चीज़ें लिख के दी थी मैंने कल, यूनिट्स लेने हैं तो रुपीस पर यूनिट, आर लेने हैं तो रुपीस पर आर, बजटेड प्रोडक्शन लेनी है तो इनटू 10 रुपए, बजटेड आर लेने हैं बजटेड आर्स तो इनटू 5 रुपए, कितनी बन गई बजटेड फिक्स्ड एफओएच 5 मिलियन, जब एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच कितने हैं दिए हुए हैं, 1 लाख नेगेटिव। और लास्ट रिकंसिलिएशन फिर अगली क्लास में बना देता हूँ, अगली क्लास मतलब अभी, क्योंकि आपकी खुशी से ऐसा लग रहा था शायद आप मंडे समझ रहे हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस, अप्लाइड माइनस बजटेड, अप्लाइड कैसे निकालें, 10 रुपए से निकालना है तो 10 रुपए से निकाल लें, 10 रुपए पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, और चाहे तो 5 रुपए पर आर से निकाल लें, 5 रुपए इंटू स्टैंडर्ड आर, नॉट एक्चुअल आर, स्टैंडर्ड आर, ये स्टैंडर्ड आर्स हैं, ये अप्लाइड और बजटेड दोनों दोबारा सुने, अगर आप फिक्स्ड रुपीस पर यूनिट से निकालना चाहें वो भी ठीक है, इंटू प्रोडक्शन कर दें, और अगर पर आर से निकालना चाहें तो इंटू आर्स कर दें। बजटेड ओवरहेड्स निकालने हैं तो बजटेड प्रोडक्शन या बजटेड आर्स, अप्लाइड निकालना है तो एक्चुअल प्रोडक्शन या स्टैंडर्ड आर्स, एक्चुअल आर्स नहीं स्टैंडर्ड आर्स। कल वाला लेक्चर दोबारा सुनना, ये कितना हो गया 2 लाख नेगेटिव। ये हो गए सारे वेरिएंसेस, और अभी आप
क्या रिक्वायरमेंट की समझ नहीं आई, रिकंसलेशन बनाने को कहा उसने। रिकंसलेशन में क्या आएगा? वही तो पूछ रहा हूँ, रिकंसलेशन में क्या करना है हमने? अच्छा नहीं, क्या करना है? बजटेड प्रॉफिट लिखना है, उसके नीचे सारी वेरिएंसेस लिखने हैं, उसका आंसर एक्चुअल प्रॉफिट के बराबर आएगा। तो वो वेरिएंसेस कहाँ से आएंगे? निकालने पड़ेंगे ना, ये सारी वेरिएंसेस निकालने हमने। सवाल में रिक्वायरमेंट रिकंसलिएशन है, तो रिकंसलिएशन का फॉर्मेट है बजटेड प्रॉफिट से शुरू करें, सारे वेरिएंसेस लिखें, तो वेरिएंसेस निकालेंगे तो रिकंसलिएशन बनाएंगे ना। तो उस रिकंसलिएशन की वजह से पता चला कि सारे वेरिएंस निकालने। ठीक है जी, चले अगली क्लास में इसकी रिकंसलिएशन बनाता हूँ और एक सवाल और करता हूँ।